नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार, बिहार में अगर बात की जाए तो सुशासन का चर्चा होता है। बिहार की अगर बात की जाए तो 15 साल की बात की जाती है। क्या बिहार में बदलाव हुआ है? कुछ बहुत हुआ भी होगा, लेकिन सवाल कई हैं। बात की जाती है बिहार में शिक्षा की, तो यहाँ टॉपर घोटाले होते हैं। लेकिन अब जब बिहार बदल रहा है, बढ़ रहा है, तो कई तरीके के जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं। एक सवाल आज शिक्षा को लेकर सदन में उठाया गया, जिसके बाद बड़ा जो सवाल है वो राजद के विधायक रीतलाल यादव ने पूछा है सरकार से, क्या जो शिक्षा व्यवस्था बिहार में है वो बेहतर है। उन्होंने चरवाहा विद्यालय का भी जिक्र किया। क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से अपने तथ्यों को रख रहे हैं रीतलाल यादव, वो आप देखें। रीतलाल जी, आज शिक्षा विभाग को लेकर जो बातें हुई हैं, पहले भी लालू प्रसाद के ज़माने में चरवाहा विद्यालय थी और अभी भी स्कूल्स हैं, तो क्या लगता है पहले पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है जी कि आज 3 मार्च है जी, और 3 मार्च 1939 को हमारे महात्मा गांधी जी ने गुजरात में शिक्षा के विषय पर ही आंदोलन किया था जी, और 3 दिन के अंदर जो वहाँ की सरकार देख रेख जो कर रही थी उनकी बात को मान लिया था। लेकिन आज विनम्रता है हमारे बिहार का, हमारे हिंदुस्तान का, अनेकों मुद्दा को लेकर के, चाहे शिक्षा की बात हो, आज लमसम 3 साल होने जा रहा है आंदोलन का, लेकिन अभी तक सरकार उनकी बात को नहीं माना है। इसी तरह से देख लिया जाए, क्या 3 महीना से ज़्यादा होने जा रहा है किसान बिल पर, लेकिन सरकार नहीं मान रही। कभी कभी आज चर्ज होता है जो 1939 ईस्वी में जो सरकारें थी जिसके माध्यम से चलाया जाता था हिंदुस्तान को, वो अपना थे कि आज के जो सरकारें हैं जिनके माध्यम से केंद्र की चलाया जा रहा है या बिहार राज्य सरकार चलाया जाता है, ये अपना है। अगर जो वो अपना नहीं थे तो 3 दिन में क्यों मान लिए महात्मा गांधी जी का बात को? अगर जो आज आप अपना है, हमारे केंद्र सरकार अपना है, आज हम कहते हैं कि मेरा हिंदुस्तान आज़ाद है, तो फिर आप क्यों नहीं मान रहे हैं लोगों की बात? आप अपने जनता के दुख दर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं? आज विनम्रता इस बात का है कि हिंदुस्तान भारत सरकार के औसतन कहा जाता है कि कम से कम प्रति लाख 28 से लेकर के 29 कॉलेज होना चाहिए, लेकिन आज आपके प्रति लाख 7 कॉलेज ही हैं। विनम्रता हमारे सरकार का है या हमारे जनता का है या हमारे हिंदुस्तान का है या बिहार राज्य का? सरकारी विद्यालय की जब बात होती है तो आपका इलाका भी पटना ग्रामीण में पड़ता है, आप इलाके में घूमते भी हैं, तो क्या सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अभी तक नहीं सुधर पाई है पहले के मुताबिक? इसे कहने का मतलब है कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था आप कहते हैं कि सुधर गई है, आज लेकर के देखा जाए तो लमसम 55-56% ही आपके स्कूल में अटेंडेंस होता है बच्चों को, और आप कहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं शिक्षा में हम, तो हम जानना चाहते हैं आपसे कि जब 55-56% ही अटेंडेंस आपके यहाँ जो होता है, तो आप इकाई मिड डे मील जो चल रहा है, पोशाक चल रहा है, साइकिल चल रहा है, ये सब कौन ले जाता है? कौन पोशाक पहन रहा है? कौन साइकिल चल रहा है आपका? लगता कि बड़ा घोटाला है इतला जी, बहुत बड़ा घोटाला है। ये तो आपकी नज़र में भी है, मेरे नज़र में भी है, लेकिन हम सरकार से आग्रह करेंगे इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें और आगे ही शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू।